हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मेरा पहला ब्लॉग जो कि होगा मिलत नगर मार्केट, आप शायद जानते होंगे अंधेरी वेस्ट में है मिलत नगर मार्केट, जो कि सिर्फ ट्यूसडे को लगता है। नहीं, मैं नहीं मानता। आपको हर एक चीज दिखाएंगे, रिवील करेंगे कि वहाँ के प्रोडक्ट कैसे हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस मार्केट के बारे में। तो फिर हम लोग अभी चलते हैं वहाँ पे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे, सारे मार्केट पूरा घुमाएंगे आपको और बताएंगे कि इसके प्राइस कितने हैं। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और विजिट करना मत भूलिएगा इस मार्केट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। One hour later. हमने ले लिया है अपना बैग और चलते हैं मार्केट की तरफ। और सबसे पहले बताता हूँ, ताला लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि घर में चोरी होना इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आज हमारा आउटफिट है ये मच्छरदानी वाला शर्ट और बनियान, और उसके साथ में एक जीन्स जो शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं आज, आ जाइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो घर से निकलते ही हम पकड़ते हैं ऑटो और पहुंच जाते हैं मड जेट्टी पे। वहां का नज़ारा आप देखेंगे तो क्या सही नज़ारा है दिन का। और हम वेट करते हैं बोट का, तब तक बोट आ जाती है और फिर हम बोट पे बैठते हैं और उस पार पहुंच जाते हैं। ये है फेरी बोट जो 5 रुपये किराया लेता है एक तरफ का, बट वर्सोवा से जेट्टी जाने के लिए ये इस बोट से ही जाना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। बोट में बैठ के हम लोग आ जाते हैं इस पार और फिर चलते हैं बस स्टॉप की तरफ जो वर्सोवा यारी रोड पे बस स्टॉप है हमारा। वहाँ पे करेंगे बस का वेट और फिर उसके बाद चलेंगे साथ में हम लोग मिलत नगर। तो गाइज हम लोग तो आ जाते हैं बस स्टॉप पे, बस एक भी बस नहीं, आधे घंटे तक वेट किया हमने, फाइनली एक बस मिली भी तो खाली, वो जब तक भरेगी नहीं तब तक जाएगी नहीं। गाइस बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा, पर मैं आ गया हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन। तो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ और दिखाता हूँ आपको मार्केट का हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, वरना लिटरली यार बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। सूरज तारा को तो कंट्रोल ही नहीं है इधर गर्मी कम करने का, देख रहे हो मेरा हालत। चुपती चलती गर्मी, चुपती चलती गर्मी का मौसम आया। तो फाइनली गर्मी से लड़ते हुए हम आ गए मिलत नगर मार्केट। तो आपको दिखाते हैं सारी चीजें कैसे क्या है, पर ज़्यादातर सामान तो लड़कियों का ही भरा हुआ, लड़कों के लिए तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, क्या बोलूँ आपको। ये लहसुन 150 में दो दे दो। यहाँ पे कपड़े तो अच्छे थे बट ज़्यादा लड़कियों के, औरतों के और बच्चों के थे। तो अगर आपको बार्गेनिंग करना आता है तो आपके लिए फिर बहुत सस्ता रहेगा, वरना फिर आपको दोगुना दाम चिपकाया जाएगा यहाँ पे। पर बार्गेनिंग करना आपको बहुत सही है,
तो मुझे यहाँ पे एक लैपटॉप बैग पसंद आया जो मैंने ख़रीदा सिर्फ 100 रुपये में। फिर मुझे कुछ बॉटल्स पसंद आए, टिफ़िन बॉक्स लिया मैंने। यहाँ पे ना बच्चों के स्कूल के आइटम लाइक टिफ़िन बॉक्स, पेंसिल, बैग्स और हाउस होल्ड के सामान भी बहुत अच्छे थे, एकदम प्रीमियम क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। पर डिपेंड ऑन योर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी मार्केट। कहीं भी आप जाओगे तभी आप सस्ता पाओगे। और यहाँ पे शॉर्ट्स देखेंगे आप मात्र 100 रुपये में, सिर्फ 100 रुपये में आपको मिलेगा। मैंने तो एक लैपटॉप बैग लिया सिर्फ 100 रुपये में, जो मेरे को बहुत पसंद आया था। बाकी आपको शूज़ मिलेंगे मेंस के, और फूड आइटम भी आपको मिलेगा, ज्वेलरी वगैरह भी मिलेगी आपको, और कुछ बच्चों के कपड़े भी रहेंगे जो कि सिर्फ 200-250 से स्टार्टिंग है, ज़्यादा नहीं है। और आपको बेडशीट वगैरह सब चीज़ देखने को मिलेगा, ज्वेलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए ट्रेंडी चश्मे आपको मिलेंगे, एकदम 70-70 रुपये में आपको मिलेंगे ट्रेंडी चश्मे बार्गेनिंग के ऊपर। फिर ये आपको कपड़े मिलेंगे, पार्टी वेयर कपड़े खाली, जो आप सिला सकते हो घर पे लाकर। बट सिलाने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, बाकी कुछ चीज़ें कम थी। लाइक बॉयज़ के कपड़े तो थे ही नहीं वहाँ पे, मेंस के कपड़े एकदम ना मात्र थे। ये मार्केट बेसिकली सिर्फ गर्ल्स और लेडीज़ के लिए है। बाकी आपको अगर घूमने आना तो आप घूम के देख सकते हो। हाउस होल्ड के सामान भी अच्छे मिलते हैं, बच्चों के सामान अच्छे मिलते हैं। बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए और इस मार्केट में आइए और आप देखिए आपके लिए क्या मिलता है आपको। बाकी आपको थ्रिफ्ट के सामान ज़्यादा मिलेंगे और लाइक मिनी चोर बाजार। तो दोस्तों मार्केट दिखाते दिखाते वीडियो इतनी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको दो पार्ट में दिखाऊंगा मैं, और दोनों अलग अलग टाइम पे अपलोड करूंगा। आप देखिएगा दोनों वीडियो और मुझे बताइएगा। और वैसे भी ये मेरा पहला टारगेट, तो थोड़ी बहुत मिस चीज़ें जो हैं वो मिस होंगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद आई या क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी चाहिए इसमें, और फिर मैं अगले अपने नेक्स्ट व्लॉग में उसको अप्लाई करूँगा, सुधारूँगा। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही होती है, तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। हाँ, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक कमेंट और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और उन्हें सस्ती चीज़ें मिले और वो थोड़ा मनी सेविंग कर सकें। तो गाइज़ यही है मार्केट, आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में आपने देखा हर एक चीज़। शायद वीडियो ठीक से बनी ना हो या प्रॉपर चीज़ें आपको दिख नहीं रही हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखाऊँ। और फिर मैं अपना एक लिया हुआ लैपटॉप बैग कुछ सामान लेके वापस घर आ जाऊँ। तो गाइज़ अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अप्रिसिएट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए
और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आगे आपको नई वीडियोस ला सकूँ नए मोटिवेशन के साथ में। और जितनी भी गलतियाँ हुई है इस वीडियो में तो मैं आगे इसको कवर अप कर सकूँ, सुधार सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय।